है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी शरण में लेने का, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना, सब सेवाधारों का शुक्राना, विक्रम अंकल का, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे सदगुरु का, मेरे मालिक का। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी और अपनी मुलाकात गुरु जी के साथ कैसे हुई, ये आप सबसे शेयर करूंगी। मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, जैसे ही आज अंकल ने बोला तो अंकल ने यही बात बोली और मुझे याद दिलाया कि गुरुजी भी ये बोलते थे कि कोई भी सत्संग कितनी भी बार शेयर किया जाए, हर बार उसके लिए किसी एक नई संगत का आंसर होता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि उसी सत्संग से हमें भी कुछ नए आंसर मिलते हैं। तो उसी विश्वास के साथ कि आज भी जब हम ये सत्संग कर रहे हैं हमारे गुरुजी के दरबार में, हम सबके घर में, हम सबके मन में, हम सबकी आत्मा में गुरुजी विराजमान हैं और हमारे आसपास वो बैठे हुए हैं और हमारे को सुन रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये बात है 2000 की। उस समय मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो कि एटलीस्ट उस टाइम इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, फिजिकल प्रॉब्लम, और उसको बोलते थे अल्सरेटिव कोलाइटिस। जनरली जिस डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, वो यही बोलता था ये तो अमेरिकन बीमारी है, कहाँ आपने पाल ली। बट क्योंकि हमारा डाइट, फूड और मेन था टेंशन, जो हमें सोचने की आदत होती है, वो चीजें हमने पाली होती है तो ये चीज हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। संगत जी, उस टाइम इस बीमारी की एक ही दवाई थी इंडिया में, दैट वाज सेल्जोपायरन। और सेल्जोपायरन में सल्फर होता था और मैं सल्फर से एलर्जी थी, तो एक तरह से मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी क्योंकि उसको लेते ही मुझे एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते थे और सल्फर से एलर्जी काफी रिस्की मानी जाती थी। तो उस टाइम फिर मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा जाता था। आई थिंक स्टीरॉइड्स हमें इतना नहीं पता होते थे, लेकिन कोरोना के बाद हम सब की, एक कॉमन मैन को भी ये पता चल गया है कि स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग है, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी में ये काम नहीं आती, ये बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है। तो संगत जी, एक तरह से ये था कि कोई आसरा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, एक तरह से ड्रग्स पे ही मैं चल रही थी। और जैसा कि हम में से बहुत से लोग हैं उनके दर पे उस दरबार में उसी वक्त पहुंचते हैं जब सब तरफ से हार गए होते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, फेयरली मैं एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास, सेल्फ मेड, मेरे पेरेंट्स सेल्फ मेड, मैं, हम लोग को अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, उसको मैं अभिमान नहीं कह सकती, एक कॉमन मैन का मान कह सकती हूँ। और जब गुरुजी के दर पे आए और अब समझ आया वो मान भी उनके चरणों में छोड़ दो और सिर्फ उस मैं और मान को छोड़ के उनके साथ चलो, बट तब तक ये समझ नहीं थी, एक कॉमन मैन का मान था कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, किसी का बुरा नहीं करती, जितनी मेरी औकात है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, तो मैं किसी गुरु के पास क्यों जाऊं, वो भी फिजिकल फॉर्म में। तो एक तरह की ये थिंकिंग थी मेरे माइंड में और मैं नहीं बिलीव करती थी कि किसी गुरु पर या किसी ह्यूमन बॉडी को मैं पैर टच करके अपने भगवान के बराबर बिठाऊं। हाँ, भगवान में मैं गॉड बिलीवर थी, गॉड फेयरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता था, जैसे बड़े बोलते थे गलत काम करोगे तो भगवान तुम्हें देखेंगे या मैनेज करेंगे, तो वो चीज थी कि गलत काम इसलिए नहीं करना क्योंकि भगवान उसको देख रहा है। और जिस भगवान को मैं बिलीव करती थी बचपन से, वो मेरे भोलेनाथ थे, शिव शंभू थे। तो एक ये भी पॉइंट था शायद कि मैं गुरुजी के पास थोड़ी देर के लिए शुरू में रुक पाई। मेरी ये जर्नी शुरू होती है बेसिकली इन्विटेशन की, 2000 यू कैन से 1999 से, क्योंकि मैं गई गुरुजी के पास 2000 में थी, बट उससे एक साल पहले मेरी हालत को देख करके मेरी छोटी सिस्टर, उसके जो सीनियर बॉस थे
उन्होंने उसको बोला था कि आपके घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो गुरुजी की आज्ञा है, आप आइए और उनको लेके आइए। संगत जी, उस टाइम गुरुजी एम्पायर एस्टेट में बैठते थे और हम सब जानते हैं कि वहां पे उतनी संगत नहीं होती थी, 100, 150, 200। और फिर भी जो मेरे मालिक का औरा था और जो वहां का समा बंधा होता था, हम में से किसी को ये आज्ञा अंदर से ही नहीं थी, वर्बली किसी ने भी मना किया था कि हम अपनी मर्जी से किसी संगत को लेके आ जाए। आज तो गुरु जी ने हमें इतनी खुली छूट दी है कि हम किसी को भी बड़े मंदिर ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं और ले आते हैं और उसकी सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, गुरु जी उसकी छुलियां भर देते हैं। पर उस समय जब तक गुरु जी खुद नहीं बोलते थे, आप किसी को भी नहीं ला सकते थे। तो एक तरह से एक आज्ञा थी, एक साल तक संगत जी, एक साल तक मेरा गुरु मुझे मैसेज भेजता रहा। आज मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नादान थी, अनजान थी। शायद मैं ये कहूंगी कि गुरुजी की जो वाणी है और जो भाषा है जिसमें उन्होंने पहला वर्ड यही बोला था, अपनी अकल को अपने जूतों के साथ छोड़ के आओ, शायद उस वक्त वो डिग्री और अकल मेरे पास थी, तो मैं उस मैसेज को नहीं समझ पाई, नहीं गई, मैं रिफ्यूज करती। संगत जी, अल्टीमेटली जून 2000 में मेरी हालत बहुत खराब थी। गर्मियों के दिन थे, मैं मम्मी के घर आई थी। मेरी सिस्टर रात को 7:30-8 बजे आई और बोली, दीदी उठ और चल। संगत जी, उस टाइम मेरा ये हाल था कि हर 1-2 घंटे में मैं वॉशरूम जाती थी, मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं कुछ भी खाती थी, मैं वॉशरूम की तरफ भागती थी। मेरा एक ही वीक पॉइंट था कि कहीं भी जाना है, अव्वल तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जर्नी में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जाना है तो जहां वॉशरूम की फैसिलिटी। इस तरह से सिस्टर ने बोला, तू आज चलेगी चाहे कुछ हो जाए। मैं उसको रिफ्यूज करती रही, कहती नहीं आप चलोगे आज, और वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए। मैंने उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि मैं वहां वॉशरूम तो होगा ना। उसने बोला, तू यहां से चल, जो होगा देखा जाए। वो मेरे से बहुत छोटी है, लेकिन जब वो डांटती है तो ऐसे ही डांटती है, और या तो उसकी डांट में गुरुजी की डांट थी, क्या था। संगत जी, मैं उसके साथ बैठ के गई। मैं उसको बहुत वीक थी संगत जी, बहुत वेट लूज कर चुकी थी, हीमोग्लोबिन मेरा 6.5 और 7 होता था, और मतलब बीपी मेरा काफी लो रहता था। बट वो जीत में मुझे ले गई, इतनी दूर जाने के नाम से मुझे वैसे ही घबराहट हो रही थी। संगत जी, हम गाड़ी में बैठे और वहां गए। वहां जाते ही आपने देखा होगा, पहले हम बाहर से, गाड़ी बाहर रुकती थी, अंदर आए, हैंड वॉश करके हम अंदर मंदिर के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे आते ही जब अंदर जाने लगे, मेरी सिस्टर को बस एक ये था कि अभी मैं आपको यही बताऊंगी वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं हर बात पे व्हाई एंड हाउ, बिना रीजन बिना लॉजिक्स के मैं कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, एंड आई वॉज रेडी टू गिव द लॉजिक्स फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए मुझे हर चीज को मनाने के लिए लॉजिक मांगने का हक मैं अपना मानती थी। और मेरी सिस्टर ने सिर्फ ये बोला, पीछे पीछे मेरे एक तरह से जैसे हाथी पे अंकुश लगाते हैं, हल्के से पिंच करते हुए, दीदी कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेरे को फॉलो करना और बाकी लोगों को फॉलो करना, आवाज मत निकालना, जो जो कहा जाए करते जाए। चलने लगे, अंदर आए, सीढ़ियों पे चढ़े, दरवाजे से अंदर आए। अब मुझे लगा कोई बाबा जी होंगे, दाढ़ी होगी, भगवे कपड़े होंगे। एक तो पहले ही ये समझ से बाहर था, जो समझ थी, जो अकल थी ज्यादा थी, कि ऐसा कौन सा गुरु है रात को मिलता है यार। जनरली गुरु तो सुबह मिलते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे सत्संग होता है, 11 बजे, 12 बजे। चलो, ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे वाई, ढेर सारे हाउ, और एक ही उम्मीद कि चलो कोई डॉक्टर कोई फकीर कुछ नहीं कर पाया, शायद ये ही कुछ कर दू। अपने दर्दों को समेट के मैं वहां पहुंची। संगत जी, ये सोचते हुए किस तरह के गुरु होंगे, आपने देखा होगा एम्पायर एस्टेट में सामने सीढ़ी से उतरते ही राइट में जब टर्न किया, अभी स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल, इतना क्यूट, इतना पावर, इतनी वाइब्रेशन,
ये कैसा गुरु है यार, इतना ड्रेसअप किया हुआ इतने ब्यूटीफुल तरीके से। तब तक यही था कि गुरु का मतलब होता है सिंपल कपड़े, व्हाइट या भगवे और दाढ़ी और मूछ। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ अलग। जो इतने सालों के संस्कार या थिंकिंग थी या माइंड में एक सेटअप था, सब चेंज हो गया। चलो चलते गए आगे, पीछे पीछे मेरा कमांडर मुझे गाइड कर बोले जा रहा है, चुप रहना चुप रहना। सबने मथा टेका, मैंने भी सर झुकाया मथा टेका और वापस आए। संगत जी वो टाइम था जब मैं एक चपाती पूरे दिन में नहीं खा पाती थी। हम थोड़ी देर बैठे, पहले दिन हमें ऊपर ले जाए भेजा गया मुझे, हम लोग ऊपर जाके बैठ गए और वाणी चल रही थी। तो मुझे लगा मेडिटेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन करने लग गए। मेडिटेशन में मैं यही सोचे जा रही थी कैसे गुरु हैं, कैसा इनका अटायर है। और मुझे लगा अच्छा, अगर अच्छे गुरु हैं तो उन्हें भी पता होगा कि मैं भी फेयर ह्यूमन बीइंग हूँ, वो मुझे पहचान जाएंगे। मैं कोई चीटिंग नहीं करती, कोई बेईमानी नहीं करती और मैं अच्छा इंसान हूँ। बस ये मैं और वो सोचते सोचते हमें नीचे बुलाया गया। संगत जी उन दिनों में गुरु जी अपने हाथ से हमें प्रसाद देते, अपने छोटे छोटे हाथों से ढेर सारा प्रसाद। अपने बहुत से गुरु भाइयों से, सेवाधारों से, सत्संगियों से सुना है कि छोटे से हाथ से, एक हाथ से गुरु जी प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथ भी छोटे पड़ जाते थे, ऐसे लगता था कहीं गिरना जाए। बट क्योंकि वो मेरा पहला दिन था, गुरु जी को तो पता था सब कि कितनी नादान हूं, कितनी बेवकूफ हूं, कितनी मैं वाली हूँ। तो उन्होंने फैला हुआ प्रसाद नहीं दिया, उस दिन उन्होंने दिया लड्डू प्रसाद। संगत जी 250 ग्राम वाला इतना मोटा लड्डू सीधा हाथ में, दोनों हाथ में भर के मैं मुड़ के देखूं और मेरी सिस्टर बोले टर्न कर, चुपचाप से लेके प्रसाद। तब हम ले प्रसाद लेके बाहर जाते थे, बाहर जल प्रसाद भी मिलता था बीच सड़क पे, वहां पे खड़े होके हम वो प्रसाद फिनिश करते थे, हैंड वॉश करते थे, फिर वापस अंदर आते। अब आप ये सोचिए, जो पिछले 3-4 महीने से एक चपाती खा रहा है, उस इंसान को आपने इतना बड़ा लड्डू दे दिया और साथ में जो मेरा मेंटोर, जो गुरुजी की आज्ञा से मुझे डांट रही थी, उसने सीधा बोला जो खाना है यही खाना है, पूरा खाना है। मैंने उसको ये बोला बेवकूफ है, इतना बड़ा लड्डू, मेरे को अभी वॉमिटिंग आ जाएंगी, कितने दिन हो गए मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। शी सेड तू यही खाई। तब पहली बार नहीं समझ आया था, जो यहाँ खाया वो दवाई है, जो घर में ले गए वो मिठाई है। बट बिकॉज शी यू कैन से कि बहुत ज्यादा पावर थी उसके अंदर उस वक्त, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, धीरे धीरे ये समझ आता है। मैंने वो पूरा लड्डू प्रसाद संगत जी खा लिया और वो खड़ी थी मेरे ऊपर इंक्वायर कर रही थी। उसे पूरा विश्वास था गुरु जी मुझे ठीक करेंगे। वो लड्डू प्रसाद खा के अब मुझे लगे अब मेरा पेट गया, या तो मैं वॉमिट करूंगी या वॉशरूम जाऊंगी। और संगत जी हम सब जानते हैं कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, एम्पायर एस्टेट में वॉशरूम वहीं पर है किचन के सामने थोड़ा आगे जाके, सारी संगत भी दरवाजे के बाहर हम लोग बैठते थे, वहां पर हम सब वहीं बैठते थे। और बीइंग अ फीमेल ऐसे लगता था कि अंदर जा रहे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं जाते हुए वॉशरूम में आ रहे हैं, तो यही लगा मेरा स्टमक अपसेट है तो कितना एम्बेरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए। संगत जी मैं वॉशरूम गई थी बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे नहीं पता वो क्या शुरुआत थी। बाहर आ गए, आकर के बैठे, थोड़ी देर बाद सिस्टर ने फिर मुझे पंच किया कि थोड़ी सी कोने मारे कि अब सीधे बैठना, नीचे चले। मैट्स बिछनी शुरू हो गई, हम लोग बैठ गए आमने सामने और मैट्स में पहली बार देखा गया किसी लंगर में 4 जनों के लिए एक ही जगह पर लंगर प्रसाद दिया जा रहा। इसके भी बहुत से लोगों से बहुत सारे सत्संग हैं, इस प्रसाद से गुरुजी ने बहुत से लोगों की ये भावना कि तुम नीचे हो मैं ऊपर हूं, मैं किसी का छुआ हुआ नहीं खाऊंगा, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगा, ये वाली भावनाओं को खत्म किया, डिसॉल्व किया और इस मैं को खत्म कराया। सिमिलरली मैं भी वहां बैठी, लंगर प्रसाद में मुझे सब्जी और दाल का ध्यान नहीं है बट ये याद है कि चपाती थी। और तब लंगर प्रसाद में भी हलवा प्रसाद ही नहीं होता था,
कई बार बर्फी प्रसाद होता था, जलेबी प्रसाद होता था और मीठे में मिठाई होती थी, पहले गुरुजी बांट चुके होते। लंगर प्रसाद आया, मेरी नजर सिर्फ मिर्ची वाली चटनी पर। संगत जी ये तो अब समझ आया है कि जब जितना तीखा गुरुजी आपको देते हैं उतने ही काले कर्म हमारे कटवा रहे होते। ये उस वक्त नहीं थी समझ। और मैंने अपनी सिस्टर को ये बोला, उसने बोला अपने हिस्से की चटनी तुम खाओगे, ये दो चपाती तुम खाओगे। और तब सुधा आंटी अपने हाथ से खाना बनाती थी वहां पर, चपाती अच्छी होती थी, बहुत बड़ी भी नहीं होती थी लेकिन बड़ी होती थी। और मैं ये सोचूं मैं दो चपाती इतना बड़ा लड्डू सब मैं खा चुकी हूँ, ये होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे वॉमिट आते रहेगी। बट क्योंकि मैडम जी साथ बैठी थी डांट रही थी, मैंने वो फिनिश किया। फिर हम बाहर आए, हैंड वॉश किए, वापस आए, गुरु जी से आगे ली और घर आ गए। संगत जी ये 2000 की बात बता रही हूँ, तब बिजली बहुत जाया करती थी दिल्ली में भी, और मम्मी का घर दिल्ली में विवेक विहार से आगे सूर्यनगर में है, वो बॉर्डर के इस पार पड़ जाता है, वहां पर लाइट वैसे ही बहुत जाती थी। इन्वर्टर्स काम करना कम कर देते थे, दो ढाई घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद इतने बड़े घर में इन्वर्टर बंद हो जाते थे। जनरेटर में कई बार डीजल कम हो जाता था, इतनी लंबी लाइट जाती थी। और जून का महीना, गाड़ी से वापस आ रहे हैं और मुझे जैसे ही हमने वहां एंटर किया पता चला 3 घंटे से लाइट नहीं। मेरी सिस्टर ने मम्मी के घर छोड़ा और खुद तो चली गई अपने घर। और मुझे ये लगे कि बेटा अब तो तुम गए श्वेता, अब तुम्हें वॉमिटिंग भी आएगी क्योंकि गर्मी मुझसे टॉलरेट नहीं होती और तुम्हारी हालत खराब होने। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना वॉमिटिंग गई, ना मैं वॉशरूम गई, वापस आई, वापस सो गई। नेक्स्ट डे सुबह ठीक है, मैं नहीं कहूंगी मैं 100% ठीक हो गई, लेकिन काफी रिकवरी। और वो जो डर और एक हॉरर था कि मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो एक शुरू में तो हम यही कहेंगे, अब हमें समझ आता है कि गुरुजी मिरेकल्स के लिए नहीं हुए थे, गुरुजी हैं हमारे मेहर के लिए, वो हम पर मेहर करते हैं, वो मिरेकल्स नहीं करते। बट हम नादान हैं, या हम नादान लोगों को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारा शिव नहीं, मैं तुम्हारा महाशिव हूं, वो कई बार ये छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटे छोटे जो स्पार्क्स हैं हमारी लाइफ को, जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है, बिलीव की तरफ नहीं है, उसमें ये लाइट देते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग हुआ है कि इतना खाना खा के मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देन अगेन माइंड ब्रेन, डिग्री होल्डर हैं हम लोग, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, एक ही जवाब आया, स्टीरॉइड्स दिए होंगे, क्योंकि तब नए नए मैं भी स्टीरॉइड्स ले रही थी साल भर से। मुझे ये पता था कि बॉडी वेट, फिर मुझे दिमाग में आया कि श्वेता वो खाना तो छोटा बच्चा भी दो चपाती खा रहा था, बूढ़ा अंकल भी दो चपाती खा रहा था, मोटी आंटी भी दो चपाती खा रही थी और पतली आंटी भी, जबकि स्टीरॉइड्स का रूल ये होता है जितना आपका बॉडी वेट है उससे ज्यादा ग्राम्स नहीं दे सकते आप। फिर माइंड ने बोला कि वो 60 ग्राम, अगर मेरा वेट 50 ग्राम है, किलो है, तो मुझे उतनी देंगे, दूसरे को 20 किलो की देंगे, कैसे पॉसिबल है, तो वो गेम नहीं हो सकती। इसी इफ एंड बट्स में चलते गए, जर्नी चलती गई। सेकंड विजिट मेरी थोड़े दिनों बाद हुई, मेरे हस्बैंड के साथ हुई, और मेरे हस्बैंड तो बहुत जल्दी, जितना मैं विद लॉजिक एंड रीजंस किसी चीज को बिलीव करना शुरू करती हूँ, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। जहां भी तुम्हें बोलोगे वहां वो उससे सर झुका देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं। 1-1.5 महीने बाद मुझे लगा थोड़ा अंडर कंट्रोल हो गई थी प्रॉब्लम भी, कि नरेश हम चले गुरु जी के पास, मन किया। तो अब मैं पश्चिम बिहार रहती थी, वहां से गुरु जी के पास चले गए हम लोग। संगत जी पहली बार मैं अपने ब्रदर इन लॉ और ब्रदर के साथ, एक सिस्टर के साथ आई थी, मेरे हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर नहीं आया। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, जैसे था हम अंदर गए। इसका भी एक सत्संग है जो मैं पिछली बार भी रिपीट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आज नहीं कर रही। बड़ी स्टूपिड सी विश भी नहीं थी, एक भाव जागा था और गुरु जी ने वो भाव भी पूरा किया था। शुरू शुरू में तो हम बालक होते हैं, बिल्कुल नादान, अनजान और शैतान बालक थी मैं तो। हर बात पे वाय करना, जिद करना आता था मुझे,
और वो गुरुजी ने हर नादानी को हंस के पूरा किया, टाला, और ऐसे ही इतनी ब्यूटीफुल तरीके से मुस्कुराते रहे, हंसते रहे कि कितने नादान है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने पिता को भूल जाएं, हम अपने पिता को एक बार को इग्नोर कर दें कि मैं बिजी हूं, आज टाइम नहीं है गुरुजी, पिता की नजर हमेशा हम पर रहती है, उनकी मेहर, उनका करम हमारे पर हमेशा रहता है। इसी तरह संगत जी, गुरुजी की नजर और मेहर, जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, वहां बुला लिया था, तो मुझ पे थी और है और हम सब पर है और रहेगी भी। तो संगत जी, मैं सत्संग ये शेयर कर रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड वहां गए और हम वहां बैठे, बाहर आए तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि श्वेता, आपने यहाँ पे किसी से बात की है क्या? मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे नहीं, तुमने किसी से बात? मैंने कहा उस वक्त तो संगत जी हमें किसी का नाम नहीं पता होता था, हमें आज्ञा नहीं होती थी किसी से बात करने की, बस जय गुरु जी तो नहीं, नमस्ते ही होती थी, तब जय गुरु जी हम नहीं बोलते थे, या यूं सर झुका देते थे, हाथ जोड़ देते थे किसी को देख के, किसी के फेस को देख के अगर आपको लगता था ये जान पहचान का है, नाम नहीं पता होते थे, ना हम में से किसी को आज्ञा थी, ना हिम्मत थी कि हम किसी से नाम पूछें। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये अंकल है, बाद में पता चला वो सिंगला अंकल थे, इन्होंने मुझे बुला के अलग से बोला है कि गुरु जी कहते पे ने कि टीचर के दिमाग को ना लॉजिक देना, बहुत लॉजिक होना है, इन्हों बहुत देर तक संभालना पैदा है, इन्हों कहो कि जुतियां दे नाल अपनी अकल बाहर रख के आ। कुछ कुछ पंजाबी थी, मैं टूटी फूटी ही बोल पाई हूं। संगत जी, मैं हैरान कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग ही खड़े थे उस वक्त जब ये सिंगला अंकल ने नरेश को मैसेज दिया, और मैंने आज तक दो बार आई थी, किसी से कोई बात नहीं की थी, तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को, सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड को कैसे बोला कि टीचर्स का दिमाग बहुत लॉजिक लगाता है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और मैथ्स और अकाउंट्स की टीचर थी, इसीलिए लॉजिक्स और कैलकुलेशन सबसे ज्यादा करती थी, हर चीज में इफ एंड बट होता था, प्लस एंड माइनस होता था, फेयर होता था ठीक है, लेकिन होता था। ये दो चीजें थी जो गुरुजी हमेशा मना करते आए थे, और मेरे लिए वो सबसे पहला रूल होता था लाइफ का कि लॉजिक्स लगाओ और प्लस माइनस करके डिसीजन लो। चलो, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था संगत जी, बहुत सारी नादानियां की, बहुत छोटी छोटी गलतियां की, छोटी छोटी बेवकूफियां की, और धीरे धीरे मेरा मालिक अपना हाथ पकड़ के मुझे ऊपर की तरफ लेता जा रहा है। जर्नी है संगत जी, चलती रहेगी। इसी से रिलेटेड मैं से एक और छोटा सा सत्संग जो अभी अचानक याद आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको। पहले दिन तो मुझे ऊपर बिठाया गया था, उसके बाद संगत जी जहाँ गुरुजी का आसन है, सिंहासन है, गुरुजी के राइट साइड में, मीन जब एज अ संगत हम जाते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जब रो बैठती थी, तो वहां पर पहली रो में तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर, जब भी हम वहां पहुंचते थे चौथा नंबर खाली हो जाता था, मैं मथा टेकती थी, आगे आगे मैं ही बढ़ती थी, मेरे हस्बैंड और बेटा पीछे होते थे, मथा टेकती थी हर जी जगह पे, ये लगता था मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं और मैं, आगे मथा टेक के मैं मुड़ती थी, वो सीट हमेशा खाली मिलती थी, मैं वहां बैठ जाती थी, और सिंगला अंकल या सेवादार हाथ से मेरे हस्बैंड को और बेटे को ऊपर भेज देते थे। संगत जी, वही चीज है, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि मैं ना शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, व्रत भी करती हूँ, तो शायद ना भगवान मुझे अपने पास ज्यादा बिठा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे पास बिठाते हैं और मेरे हस्बैंड और बेटे को ऊपर पहुंचाते हैं। बच्चों वाली बात है, मैं वाली बात है, हंसी वाली बात है, सालों बाद जाके समझ आया ये बात, गुरुजी ने सत्संग में ही कहलवा के समझाया कि नादान, मूर्ख, बेवकूफ, जिनके ज्यादा कर्म बुरे होते हैं, जिनके कर्म ज्यादा काले होते हैं, उन्हीं को तो मैं अपने ज्यादा पास बिठाता हूँ ताकि कर्म काटू। तो ये सब है नादानियां। अब हमें हंसी आती है क्योंकि अब गुरुजी के साथ चलते चलते उनकी राह पे जब निकल गए हैं, तो उनकी समझाई हुई कुछ बातें तो अंदर मन में समा गई हैं, समझ आ रही हैं,
बहुत सी हैं जो अभी भी नहीं आई हैं, बहुत सी हैं जो अभी बहुत सीखनी है, लेकिन यही छोटी छोटी हम सब संगत की गलतियां हैं, मस्तियां हैं और नॉटीनेस है और गुरु जी के साथ की जर्नी है, वो हमें अपने साथ हर जगह पर ले जाते हैं और हमें एक्सपीरियंसेस देते हैं। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में आंटी ने जब बोला था मंत्र जाप, अब इतने सालों में संगत जी 20-22 साल हो गए, ये शक्ति पहले भी समझ आई थी, लेकिन अब यही लगता है जब तुम्हारे सब आसरे खत्म, और अब तो संगत जी कोई और आसरा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमें पता है हम उस नाव पे सवार हैं, उस शिप में हैं, उस टाइटैनिक पे हैं, जिसको गुरुजी ने संभाला है, उसकी आर भी वही है, उसकी पार भी वही है, और वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा ये जन्म है, वही हमारा अगला जन्म है। तो संगत जी, ये समझ आ गया है, जब भी थोड़ी सी भी बेचैनी हो, जब भी थोड़ा सा भी मन में परेशानी आए या ना समझ आए, कुछ लगे कि कंफर्टेबल नहीं है, एक ही इलाज है इसका, कोई एक ही स्टीरॉइड्स है, एक ही मंत्र है, एक ही जल प्रसाद है, एक ही प्रसाद है, वो है मंत्र जाप, ओम नमो शिवाय। ये सबसे बड़ा मंत्र है संगत जी, इसको जप करके आपके अंदर आपकी आत्मा में जो खालीपन है वो इस तरह से दूर होता है। ये मेरे मालिक ने इतने सालों में मुझे समझाया है, 90% जैसा कि हर संगत ने माना है और गुरुजी ने खुद कहा है कि तुम मेरी शरण में जब आते हो तुम्हारा 90% तो मैं अपने पे ले लेता हूँ, लेकिन 10% तो मुझे भोगना है, हमें भोगना है संगत जी, और हमें भोगना है उस भोगना में जब हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, मालिक को कभी कभी शिकायत भी करने लगते हैं, जानते हुए भी कि उसने हमारे मैक्सिमम दर्दों को खुद अपने पे ले लिया है, लेकिन इंसान है ना, और वो हमारे पिता है, उसके सामने नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो उसका एक ही जवाब मालिक ने दिया है, मुझे याद करो, जाप करो, पाठ करो। संगत जी, ये सच है, कितनी भी बेचैनी में आपको, कितनी भी प्रॉब्लम में आपको, आपके हिसाब से आप प्रॉब्लम में हो, एक बार पक्के मन से मंत्र जाप शुरू कर, आप इतना लाइट फील करोगे, इतना हल्का फील करोगे, जो इतनी बड़ी सिल जैसी प्रॉब्लम लग रही थी आपको, वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट धीरे धीरे समझ आया वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो चैलेंजेस हैं, वो एक तरह से ऐसा चैलेंज है जो गुरु हमारे सामने रखता है और सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। जैसे एक छोटी सी, आप ये कहिए अड़चन के सामने, हम छोटे बच्चे को चलाते हैं और उसके रास्ते में कुछ रख देते हैं, या हमारा पिता जब हमें गाड़ी सिखाता है और वो बोलता है ये रास्ते में दो पत्थर पड़े हैं, इनके बीच से तू गाड़ी निकाल, और वो हमारे साथ बैठ के देख रहा होता है सिमिलरली, और हमें ये विश्वास है वो हमारा पिता हमारे साथ है, हम वो गाड़ी निकाल लेते। सिमिलरली जो भी रास्ते के पत्थर है, जो भी प्रॉब्लम्स, वो तो लाइफ आएंगे ही आएंगे, हमारा 10% है, हमें पे करना है, लेकिन जब हम उसको मंत्र जाप के साथ पूरे विश्वास के साथ चलेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी, चैलेंज लगेगा, और जब उस चैलेंज को क्रॉस कर लेंगे तो हमारा पिता मुस्कुराता हुआ हमें फिर से अपनी शरण मिलेगा, फिर एक नई जर्नी की तरफ ले जाएगा, फिर एक नया चैलेंज देगा, और हमारे सोल को, हमारी आत्मा को, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे ले जाएगा। तो ये जर्नी कहाँ है हमें नहीं पता, हम अभी बहुत नीचे हैं गुरुजी, जैसे आप हमेशा कहते हो मनु तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हो, सही में हम बहुत नादान हैं, हम बहुत गंदे जीव हैं गुरुजी, हमने बहुत गंदगी है, बट हमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हम आपकी चॉइस हैं। मुझे इस चीज पे हमेशा मान रहा है गुरुजी, आपने हमें चूज किया है, हम आपकी चॉइस हैं,
तो अब आपने जब हमें चूज किया है तो ये मेरे मालिक मेरे पिता आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने लायक बनाओ, हमें इस लायक बनाओ कि हम अपने आप को आपकी संगत कहते हुए सर झुकाएं नहीं, मान से, अभिमान से नहीं, मान से हम कहें हम इस गुरु की संगत हैं, हम संगत वाले हैं और हमारे गुरु ने हमें अपनी शरण में दिया है, हमारी गंदगी को काटा है, हमें धोया है, हमें पोंछा है, हमें कोशिश करके थोड़ा सा ब्राइट किया है। और गुरु जी आप हम सबको पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करिए कि हम अपनी आत्मा की जर्नी में आपके साथ और आगे जाएं और मंत्र जाप लगातार करते रहें। संगत जी अभी एक रीसेंट आपको सत्संग सुना रही हूँ, हालांकि जहां पे ये सत्संग हुआ था वो सत्संग अभी शेयर होना है, वो अंकल ने बोला था हम अगले महीने वो करेंगे, हर महीने कर रहे हैं कि आंटी आप जरूर ये शेयर करिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि गुरुजी हर पल हर सेकेंड हर मिनट हर सांस में हर मोमेंट पे हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें ऊपर उठा रहे हैं। संगत जी अभी इसी सेकेंड सैटरडे की बात है, एक सत्संग में गए और मैं बड़ी ईमानदारी से बता रही हूँ, ये कोरोना के बाद का मीन्स 2020 से ये मेरा पहला संगत है जो मैंने किसी के घर में ज्वाइन किया। इससे पहले मैं नहीं गई हूँ किसी भी जगह पर, सिर्फ बड़े मंदिर गई हूँ और कहीं नहीं गई थी कि ऐसे ओपन सत्संग में मैं नहीं जा पाऊँ अभी तक, और बिकॉज ऑफ प्रिकॉशंस। तो मैं वहां उस दिन गई, जैसे ही इन्होंने भोग प्रसाद के लिए लंगर प्रसाद लगाया मेरी आंखें बंद थी और मुझे ये दिखा कि गुरुजी वो भोग खा रहे, लंगर प्रसाद में गुरुजी का फेस दिख रहा है, खाते हुए वो दिख रहा है, गुरुजी का चोला नहीं दिख रहा, सिर्फ हाथ और फेस देख रहे हैं, आसन नहीं दिख रहा, कहाँ बैठे हैं। और मुझे एक चीज दिखी कि अंकल जैसे ही गुरुजी ने लंगर प्रसाद खत्म किया उन्होंने हाथ बढ़ा के मुझे बोला टावल का। और संगत जी मैं घबरा गई, मेडिटेशन पे यूं मैं घबरा गई और मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरी चुन्नी मेरे हाथों में थी जो फैली हुई थी, आंखें बंद नहीं, मैंने गुरुजी को अपनी चुन्नी पकड़ा दी। जैसे कि हमारे इंडिया में कल्चर है, माँ है, बहन है, वाइफ है या कोई भी फैमिली मेंबर है हाथ पोछने के लिए, बचपन में हमने अपनी मम्मी को देखा था ऐसे, हम तो खैर अब ये नहीं करते हैं लेकिन बचपन में मम्मी अपने आंचल से हमारा पसीना प्यार से अपना मुंह नानी दादी पोंछ देते थे। मैंने वो चुन्नी गुरुजी की तरफ बढ़ा दी संगत जी और गुरुजी ने हाथ पोंछे, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा अंकल आंटी अपना प्रसाद जो है वापस लेके जा रहे हैं गुरुजी को भोग लगाने के बाद उसको लंगर में मिलाने के लिए। और मैं आंखें खोल के क्योंकि मैं बिल्कुल आगे बैठी थी यही देख रही थी कि आसपास कहीं मुझे टावल नहीं दिखाई दिया। अब तो मेरा बेचैनी से बुरा हाल कि सचमुच गुरुजी ने मुझसे चुन्नी से हाथ पुछवाया है, आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने शुरू हो गए। सत्संग के बीच में मेरे को चैन ही नहीं पड़े और मुझे लगे कि श्वेता क्योंकि एक इसका सत्संग और मैं आपको बताऊंगी जिसमें मुझे आज्ञा मिली थी कि जब सत्संग में अगर आपको गुरुजी कुछ कहते हैं तो उसको उसी वक्त पूरा करी। मेरा मन नहीं माना, सत्संग में मन नहीं लग रहा था, मैं उठी, अंकल को मैंने हाथ जोड़ के बोला अंकल एक मिनट बाहर आइए, किचन में से उनको बाहर ले गई। मैंने बोला अंकल एक बात बताइए आज आपने क्या टावल नहीं रखा था? अंकल बोलते हाँ आंटी मैं भूल गए थे हम लोग टावल। तब मैंने उनको वो सत्संग वहां शेयर की, इसमें शेयर किया और मैंने बोला अंकल प्लीज गुरुजी मुझे ये लग रहा है मैंने तो चुन्नी दी थी लेकिन गुरुजी कहेंगे मुझे टावल से हाथ पोंछने थे, आप प्लीज टावल वहां रख दीजिए। अंकल ने दूसरा टावल ला के उस वक्त वहां पे रखा। संगत जी ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज से 3-4 साल पहले हम नरेंद्र अंकल के यहाँ सत्संग पे गए थे। नरेंद्र अंकल के भी आपने वो भी गुरु जी के सेवाधार है सत्संग सुने होंगे, वहां भी हम लोग मेडिटेशन पे बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस गुरु जी गर्मी में दिलाते हैं, कारण धीरे धीरे समझ आता है मुझे सबसे ज्यादा मेरा वीक पॉइंट गर्मी है जो मुझसे टॉलरेट नहीं होती। तो उसी गर्मी में गुरु जी मेरी पेशेंस की टेस्ट लेते हैं, ये भी एक तरह से चैलेंज होता है। तो वहां भी 100-150 से ऊपर संगत हो जाती है तो फ्लैट्स में सफोकेशन तो एसी भी चला लो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो हम मेडिटेशन में बैठे हुए थे, गुरु जी के सामने ही बैठी हुई थी। इतने में आवाज आई, श्वेता उठ, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। मेरे को लगा मेरी आंखें खुली हैं, सत्संग चल रहा है, 150 बंदा बैठा हुआ है, पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, दरवाजे बंद है, एसी भी चल रही है, लेकिन ह्यूमिड बहुत हो रहा है। मुझे लगा नहीं, मुझे ना डाउट हुआ है। फिर मेडिटेशन में लग गई, और जो सेवादार है, जो घर के लोग हैं, वो पतीलों में खाना बना रहे हैं, 8:30-9 होने वाले हैं, पसीने से लथपथ है। दोबारा आवाज आई, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। अभी भी हम बात नहीं आते। मेरा दिमाग चला, उन दिनों में हम महीने में 2-3 बार किसी के यहाँ सत्संग पे जाते थे और सेवा ले लेते थे, तो मैं ये काउंट करने लगी कि अगली सेवा मेरी किसकी है। शायद गुरुजी मुझे ये चाहते हैं कि अगली सेवा में तुम चाय प्रसाद के साथ ये सेवा लेके जाना। दिमाग है ना, लग जाता है, कितने भी साल साथ रहे, बट गुरुजी भी इसीलिए हंसते हैं। मैं शांत हो गई, मैं कहा चलो अगली बार जिन भी आंटी की भी सेवा होगी मैं बोल दूंगी ये प्रसाद हम गुरुजी को खिलाएंगे। समझ नहीं थी मुझे तब तक। तो संगत जी, फिर मुझे लगा नहीं, जो होस्ट है नरेंद्र अंकल से मैं जरूर शेयर करूंगी ये बात। अभी ये थोड़ी संगत ज्यादा है, थोड़ा लंगर प्रसाद हो जाए, भीड़ कम हो जाए, मैं अंकल को बताऊंगी। संगत जी 10:30 बज गए, जनरली हम लोग 10:30-11 बजे तक संगत काफी कम हो जाती है, 30-40 लोग बचे होंगे। थोड़ा हवा भी ठीक हो गई, एसी भी ठीक हो गया, बट मैं भूल गई। 12 बजे अंकल ने फिर लंगर प्रसाद में, जैसे गुरुजी के एम्पायर एस्टेट में होता था, हलवा प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद बनवाया, हमने वो भी खाया। मैं फिर भूल गई अंकल को बताना कि मेरे साथ ये एपिसोड हुआ है, फिर भूल गई। रात को 2 बजे हम घर वापस आए, सो गए। सुबह संडे था, 10 बजे उठ के अंकल को जय गुरुजी बोला फोन पर, और मैंने बोला अंकल उठ गए हो, तो मुझे एकदम याद आया 10:30-11 हो रहे थे। मैंने कहा अंकल कल ना ऐसे हुआ था मेडिटेशन। तब नरेंद्र अंकल ने मुझे प्यार से डांटा और बोला, श्वेता जब भी सत्संग में गुरुजी कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है आप उठते और उसी वक्त आके गुरुजी को अपने हाथ से बना के खिलाते। संगत जी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गुरु मेरा मांग रहा है और मैं बेवकूफ बैठी हूं। बट फिर अब ये भी समझ आ गई है जो गुरुजी ने दिया है, गुरु कहता भी है करवाता भी गुरु है। शायद उस दिन वो मेरे हक में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये सीख दी थी। और नेक्स्ट डे फिर मैंने शाम को, अंकल ने बोला कोई बात नहीं आपकी सेवा जब होगी तब गुरुजी अपने आप कह के करवाएंगे, शाम को आप 4 बजे चाय प्रसाद के साथ ये भोग लगा देना गुरुजी को, क्योंकि अब लंच टाइम भी निकल गया, तब तो ये 2 बजे। तो इसी सत्संग को याद करके, जो इस सेकंड सैटरडे को जब गुरुजी ने टॉवल मांगा था, मुझे ये सत्संग याद आया। और मैंने अंकल को बीच सत्संग में बोला था बाहर जाकर के कि अंकल टॉवल जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जो होस्ट है उसको हम टोके नहीं, बट कई बार ये भी आगे आती है कि अगर कहीं पे भी कोई सेवाधार कुछ जाने अनजाने अलग कर रहा है जो गुरु की आज्ञा नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगी, क्यों, क्योंकि ये हम सब गुरु की संगत हैं, हम सब अच्छे मन से सच्चे भाव से गुरु जी के लिए कर रहे होते हैं, बट जिसमें गुरु जी की आज्ञा नहीं है उस चीज को हम ना करें। अगर गुरु जी उस वक्त आकर के हमें बता देते हैं तो हम शेयर जरूर करें। संगत जी, संगत जी अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि सत्संग में जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु जी आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमें समझते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग के एक्सपीरियंसेस होंगे कि जो आपको पता चल जाएगा गुरुजी आसपास ही हैं, और ये सच है वो जरूर आते हैं। हम मन से बुलाते हैं लेकिन हमारा मन उसे छू नहीं पाता, क्योंकि अपनों में, अपनों के वेलकम में, डेकोरेशन में, इन चीजों में हम बिजी हो जाते हैं। तो संगत जी आपको एक छोटा सा और सत्संग मैं बता रही हूँ, जो थोड़ा सा मुझे लगा मैंने शेयर नहीं किया है, और आज जब विक्रम अंकल गुरुजी की आज्ञा मुझे दे रहे थे तभी मैं उनसे शेयर कर पाई, वो कुछ शेयर कर रहे थे तो मुझे याद आया। संगत जी ये 2000 के 1-2 साल आगे पीछे की बात होगी। उस वक्त ये जो रोड थी ये काफी खाली हुआ करती थी, नहीं 2000 से आगे हो गया, 4 या 5 के बाद की बात होगी, हाँ बड़े मंदिर से आ रहे थे हम।
तो जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे, हमारे पास उस वक्त मारुति 800 थी, संगत जी तिवोली के पास आप देखेंगे जब हम जाते हैं, हमारे राइट साइड पे दोनों रोड के बीच में 4.5-5 फीट के ग्रिल है, डिवाइडर की तरह। थोड़ा उससे आगे हम वापस आ रहे थे, रात को 11 बजे का करीब टाइम होगा, मारुति 800 में हम आ रहे थे, और तब पुलिस, सुमो नहीं था, पुलिस आनी शुरू हुई थी, और काफी मतलब कि हेवी गाड़ी मानी जाती थी। हम लोग मारुति में आ रहे हैं संगत जी, पीछे से बड़ी स्पीड से पुलिस आ रही है और हमें पता नहीं चल रहा, हॉर्न उसका बजता जा रहा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आप आ रहे हैं, राइट साइड पे ग्रिल है 4.5-5 फीट की, त्रिवोली से थोड़ा पहले का टाइप जगह थी, ग्रिल इतनी ऊंची है, हमारी गाड़ी चल रही है मारुति से ऊंची हो गई ग्रिल एक तरह से, वो पीछे से वो गाड़ी इतना शोर मचाती हुई आ रही है, हॉर्न बजाती हुई, हम कंफ्यूज कि हो क्या रहा है ये पीछे वाली गाड़ी को। संगत जी वो गाड़ी हमारे लेफ्ट से एकदम से उसने लेफ्ट टर्न लिया, सामने दी बॉर्ड से टकरा गई, इतनी स्पीड से टकराई संगत जी, और वो गाड़ी उछली है, और जैसे बिलियर्ड टेबल पे हम खेल रहे होते हैं कि आपने शॉट मारा है, लेफ्ट में गया, लेफ्ट से टकरा के वो राइट में टर्न। संगत जी आप इमेजिन करिए, हमारी गाड़ी भी चल ही रही थी, वो राइट में टर्न हुई, घूम के पूरा हमें ठोक सकती थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं आज भी नहीं कर पाती हूँ, लगता है जैसे मिरेकल हुआ था या क्या कोई अजूबा हुआ था, वो गाड़ी उछली है ऊपर की तरफ, वो वाली जो बाउंड्री थी, ग्रिल थी, उनको क्रॉस करके तिवोली के गेट की तरफ चली गई, यू टर्न लेके उल्टी और सीधी खड़ी है गाड़ी, यू टर्न हो गया उस रोड साइड, सारी गाड़ियां रुक गई, आगे पीछे की सब रुक गए, और उसमें से ड्राइवर उतरा, सबने बोला पिया हुआ था, शुक्र करो बच गए। संगत जी जब वो गाड़ी टर्न की है हमारे बोनट से आधा फुट 6-7-8 इंच आगे होगी, अगर वो 6 फुट आगे होती, 6 इंच आगे होती, या थोड़ा भी आगे होती, तो मारुति 800 इतनी स्पीड से आके गाड़ी वापर प्रेशर से टर्न हो रही है, और इतना जंप किया कि 6 फुट ऊपर होके सड़क के दूसरी साइड चली गई है वो गाड़ी, क्या हाल होता। उस वक्त नहीं समझ आया था संगत जी, काफी दिनों बाद किसी सत्संग के थ्रू समझ आया कि जब तुम पे आता है तो गुरुजी ऐसे ही तुम्हारे कर्म कटवाते हैं, और तब तो मंत्र जाप की भी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं समझ आती थी, ये तो अब धीरे धीरे सत्संग भी हो रहे हैं, संगत भी, और गुरुजी जब अपरंपार हो गए हैं, निराकार हो गए हैं, तो उनकी शक्ति, उनकी वाइब्रेशन हम सब में आती है, और हम जल्दी से उनके मैसेजेस को कैच करते हैं। तो संगत जी एक तरह से ये बात सही है, गुरु जी जब हमें अपने पास बुलाते हैं, हमारे कर्म काटने के लिए बुलाते हैं, और हमारी आई हुई बलाओं को दूर करने के लिए बुलाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता उस मालिक से हमने क्या मांगना है, हम तो छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो गुरुजी, वो दे दो गुरुजी। पहले मैं भी यही करती थी कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो कौन है, गुरुजी मेरे सेंक्शन ऑफिसर हैं, मैं आपका बच्चा हूँ गुरुजी, मैं लिस्ट बनाऊंगी, आपको जो पसंद आए दे देना, जो नहीं आए मत सेंक्शन करना। मैं ये काफी साल तक इस चीज को बिलीव करती रही, धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ, जो चीज गुरुजी पहले दिन से बोलते थे मनो मंगो नहीं, धीरे धीरे मैं कहती थी गुरुजी आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, अब समझ आया है। और मुझे कुछ साल पहले तक लगता था कि वो दिन कब आएगा जब गुरुजी मैं आपके चरणों में बैठूंगी और आपको कहूंगी कि अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी, जो जो तेरा हुक्म तिवे तिवे रहना। मुझे लगता था नहीं, मेरी इच्छाएं हैं, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए गुरुजी को याद दिलाती रहती थी कि गुरुजी देखो ये भी कर दो ना, ये भी कर दो ना, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे कर दो ना, मैं एक्स्ट्रा नहीं मांग रही बट मैं ये डिजर्व करती हूँ। धीरे धीरे ये समझ भी आ गई, और एंड में मैं यही बोलती थी आगे आपकी मर्जी, बट अब मुझे ये समझ आ गई है कि गुरुजी जो है वो तुम्हारी मर्जी है, हम भी तुम्हारी मर्जी से शरण में आए हैं, आपकी रजा में ही है, अपनी रजा में हमें राजी करना सिखा दो, अपनी हाँ में हाँ, अपनी ना में ना हमें सिखा दो गुरुजी। और अगर संगत जी मैं गिनूं तो जैसा गुरुजी ने बोला था, कोई एक भी फैमिली में से मेरे पास आ जाता है
तो मैं सबका कल्याण कर देता हूँ। गुरु जी मेरे अपने, आमतौर पे हम अपने माँ बाप भाई बहन और बच्चों के लिए ही मांगते हैं, और हम इंसान हैं सबसे पहले हम बच्चे के लिए मांगते हैं। तो मैंने सब बहुत बार बहुत कुछ मांगा था, नादान सी चीजें और ऐसी चीजें जिस पे किसी को विश्वास नहीं था हो सकती है, और वो हुई, और वो हुई। मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो मेरी सिस्टर की डॉटर के लिए ये कर दो, वो परेशान हो रही है, गुरुजी देखो इसके लिए ये कर दो, ये परेशान हो रहा है। और आगे दो चार दिन में या महीने में फोन आता था कि नहीं ये प्रॉब्लम में सॉल्व हो गई। मैं किसी को नहीं बोलती थी मैंने गुरुजी को बोला है, बट धीरे धीरे सब बोलते अपने गुरुजी को बोल देना, तुझे तो बड़ा विश्वास है। बट ये भी नहीं था कि मैं मीडिएटर बनूंगी। मैं गुरुजी को हमको हमेशा कहती थी मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगी, अरदास करूंगी। तब तक संगत जी मुझे अरदास वर्ड समझ नहीं आता था, मुझे लगता था मैं गुरुजी को बोलूंगी, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी। अब समझ आता है अरदास क्या होता है, अरदास का भाव, अरदास की फीलिंग, अरदास की सुनवाई, अरदास का रिजेक्शन, वो सब ऊपर वाले को पता है कब क्यों और किसके लिए करना है। बट जब तक मैं नादान थी, मेरी नादानियों को अपनी छोटी छोटे मिरेकल से उसने प्रूव किया कि देख मैं तुझे जानता हूँ, समझता हूँ, अब ये तेरी जर्नी है, तू मुझे कितना समझती है। तो गुरुजी मैं आपको यही बोलूंगी, गुरुजी आपने अरिंदी शरण में बुलाया है, आपने अपने रास्ते पे लगाया है, आपने अपने लाइफ कुछ तो देखा होगा, उस कुछ को, उस छोटे से स्पार्क इतना बड़ा कर दीजिए गुरुजी कि मुझे जहां देखो वहां तुम ही तुम देखो, हर चीज में आपकी रजा दिखे, हर सुख में आप साथ दिखो, हर दुख में आप साथ दिखो। और जब आप साथ हो, पता है आपने हाथ थामा हुआ, तो कोई चीज दुख सुख कोई फर्क नहीं लगेगा, कोई अलग नहीं लगेगा, बस एक ही वर्ड होगा, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बस कोशिश यही होगी कि क्योंकि आपकी मेहर हम सब पर है, आपका हाथ हम सबके सर पर है, आपकी मुस्कुराहट जिससे हमारा जीवन रोशन हो गया है हम सबके पास है, इसके बदले जो ग्रेटिट्यूड है, जो शुक्राना है, वही हम कर सकते हैं। तो गुरुजी मैं बस दोनों हाथ जोड़कर आपको यही बोलूंगी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हम सबके जीवन में आने का, जबकि हम ये भी नहीं जानते थे कि इस अपने मालिक को कहां स्थान दें, सिंहासन पर दें, गद्दी पर दें, दरी पर दें, या अपने दिल में दें। तो शुक्राना गुरुजी हमारे जीवन में आने का, शुक्राना गुरुजी हम सबको अपनी शरण में लेने का, शुक्राना गुरुजी हम सबकी नादानियों को इस अंदाज से नजरअंदाज करने का कि हम अपने को छोटा नहीं माने, लेकिन हमेशा ये माने कि हमें आपके और लायक बनना है, हमें खुद को और संवारना है। तो गुरुजी बस अपने चरणों में स्थान दीजिए और अपनी मेहर सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिए, और हमें इस लायक बनाइए गुरुजी कि हम कहीं पर भी इस मान के साथ हों कि मेरा गुरु मेरे साथ है, और आपके मान को आगे बढ़ाएं गुरुजी, आपके संगत को आगे बढ़ाएं, आपके शुक्राने को आगे बढ़ाएं, और आपका गुणगान ऐसे ही करते रहें। इतनी ब्लेसिंग दीजिए और इतना अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, और उस मिनट का शुक्राना जब आपने अपने दर पे बुलाया, उस घड़ी का शुक्राना। आज यही हम सुन भी रहे थे, कुर्बान जाऊं उस वेला जब तेरे द्वारे आया, सदगुरु पूरा पाया। उस वक्त नहीं समझ आया था, आज समझ आ गया है कि हम सब ने संगत जी उस सदगुरु को पाया है, उसको निहारा है, उसके एहसास को छुआ है, उसको अपने दिल में समाया है। तो सदगुरु
हे मेरे दादा, हम सब पर मेहर करना और ऐसे ही अपना रहमो करम हम पर बरसाए रखना। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।